सब्सक्राइब करें ग्रेस इलस्ट्रेटिव व्यूज को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ यूट्रस एंड वजाइना। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ओवरी और यूट्राइन ट्यूब को पढ़ा था, तो इस वीडियो के अंदर हम यूट्रस और वजाइना को पढ़ने वाले हैं, स्पेसिफिकली उनकी वो पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी से बता रहा हूँ, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने हर वीडियो के स्टार्टिंग में आपको यही रिमाइंडर देना है। तो यूट्रस को स्टार्ट करते हैं। तो यूट्रस का एग्जाम के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वह यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन। तो यूट्रस पड़ी होती है, थोड़ी ओब्लिकली पड़ी हुई होती है, पेयर शेप मस्कुलर ऑर्गन है जो पार्चुलेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है, पार्चुलेशन के अंदर नहीं बल्कि ये जो इंट्रा यूट्रॉन लाइफ इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो फिर आपको यूट्रस इस तरह बैंड हुई पड़ी होती है कि दो तरह की आपको एंगुलेचर या फ्लेक्चर देखने को मिलती है। तो यूट्रस का एक वो एंगल जो बॉडी और सर्विस के दरमियान में होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन, मतलब यूट्रस थोड़ी आगे की तरफ इंडेंट हुई पड़ी होती है, तो फिर इस एंगल ऑफ इंडेंटेशन को बोलते हैं एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन। और एक वो एंगल जो आपको सर्विक्स और वजाइना के दरमियान में देखने को मिलता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एंटीवरियन। आपने इस तरह से याद रखना है कि जो एंटीवरियन में वी आ रहा है वजाइना में भी वी आ रहा है, तो फिर वो एंगल जो वजाइना और सर्विक्स के दरमियान में होगा वो 90 डिग्री का होगा, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एंटीवरियन। और वो एंगल जो आपको किसके दरमियान, इसकी बॉडी और इसके सर्विस के दरमियान में देखने को मिलता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन, उसकी वैल्यू होती है 125। तो एग्जाम के अंदर इनका ये पूछा जाता है कि एंटी फ्लेक्शन किसके दरमियान में होता है, एंटीवरियन किसके दरमियान में होता है, एंटी फ्लेक्शन की नॉर्मल वैल्यू कितनी है, एंटीवरियन की वैल्यू कितनी है, एंटी फ्लेक्शन और एंटीवरियन की इंपॉर्टेंस क्या। तो फिर इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसकी जो नॉर्मल पोजीशन होती है एंटीवरियन और एंटी फ्लेक्शन इसको ब्लैडर के साथ ये चिपका के रखती है, ब्लैडर के साथ कॉन्टैक्ट करवा के रखती है, जिसकी वजह से ये यूट्रस को पैसिव सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जबकि डायनामिक या एक्टिव सपोर्ट वो पेल्विक डायफ्राम की वजह से होती है। और आपको पता है कि जो मेन पेल्विक डायफ्राम होता है वो पेल्विक कैविटी को सेपरेट करता होता है पेरिनियम के साथ, और इसका मेन फंक्शन है जो पेल्विक ऑर्गन को स्पेसिफिकली यूट्रस को प्रोलैप्स होने से बचा लेना। तो जो एक्टिव डायनामिक सपोर्ट होती है यूट्रस की वो होती है पेल्विक डायफ्राम, जबकि पैसिव सपोर्ट वो इसी की वजह से होती है एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स पोजिशन की वजह से। तो ये तो हो गया यूट्रस की ओरिएंटेशन, और यही ओरिएंटेशन यूट्रस को पैसिव सपोर्ट देती है। तो अगर एंटीवर्गन एंटीफ्लेक्शन खराब हो जाए तो भी यूट्रस की पैसिव सपोर्ट खत्म हो जाती है, लेकिन एक्टिव सपोर्ट तो बच जाती है। लेकिन अगर पैसिव सपोर्ट ही खत्म हो जाए तो भी यूट्रस के प्रोलैप्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और इसके साथ अगर आपने पेल्विक डायफ्राम को भी नुकसान पहुंचा दिया तब तो यूट्रस का तकरीबन सारी सपोर्ट खत्म होगी, डायनामिक एक्टिव सपोर्ट भी खत्म होगी और पैसिव सपोर्ट भी खत्म होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं यूट्रस के पार्ट्स को। तो यूट्रस को हम दो में डिवाइड करते हैं, सुपीरियर टू थर्ड और इन्फीरियर वन थर्ड। जो सुपीरियर टू थर्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपांडेड पार्ट होता है, जबकि इन्फीरियर वन थर्ड काफ़ी नैरो पार्ट होता है। तो उसका जो सुपीरियर टू थर्ड है उसको हम बोल सकते हैं मेन पार्ट ऑफ यूट्रस और बॉडी ऑफ यूट्रस, जबकि इसका इन्फीरियर वन थर्ड वो काफ़ी ज़्यादा नैरो होता है, तो उसको हम नेक ऑफ यूट्रस या सर्विक्स भी बोलते हैं, ठीक हो गया। तो इसका जो सुपीरियर टू थर्ड है वो बॉडी है, तो बॉडी का भी जो इसका सुपीरियर मोस्ट पोर्शन है, ठीक हो गया, जो यूट्राइन कैविटी से ऊपर की तरफ पड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं फंडस। कौन सा पार्ट है? फंडस। और आपको एक जंक्शन देखने को मिलता है जहाँ पे यूट्राइन ट्यूब का यूट्राइन पार्ट, जिसको हम इंट्राम्यूरल पार्ट भी कहते थे, उसके अंदर खत्म होता था, तो उसको बोलते हैं यूट्रो ट्यूबल जंक्शन। इसी यूट्रो ट्यूबल जंक्शन के ऊपर आपको दो लिगामेंट देखने को मिलते हैं, तो आपको एक लिगामेंट यहाँ पे नज़र आ रहा होगा जिसको बोलते हैं लिगामेंट ऑफ ओवरी प्रॉपर, और एक नज़र आ रहा होगा राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस असल में पीछे अटैच होता है, जबकि जो लिगामेंट ऑफ ओवरी प्रॉपर इस यूट्रो ट्यूबल जंक्शन की एंटीरियरली पड़ा होता है, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया ये यूट्रस के पार्ट्स, बॉडी ऑफ यूट्रस, और आपको नज़र आ रहा होगा सर्विक्स हो गया, जिसका मेन पार्ट है वो बॉडी, जबकि इसका नैरो नेक वाला पार्ट उसको बोलते हैं सर्विस। तो सर्विस के भी हम दो पार्ट कर लेते हैं, एक वो वाला पार्ट जो वजाइना से ऊपर है तो उसको बोलते हैं सुपरा वजाइनल पार्ट, और आपको एक नैरो से पार्ट नज़र आ रहा होता है जो बॉडी और सर्विस को सेपरेट करता है, ये बॉडी और इस सर्विस इसके दरमियान में नैरो वाला पार्ट। इस नैरो वाले पार्ट की ओपनिंग को बोलते हैं इंटरनल ओस, और इस एरिया को बोलते हैं इस्थिमस, क्योंकि काफ़ी नैरो पार्ट है इसके दरमियान बॉडी और सर्विस के दरमियान, तो इस्थिमस और इसके दरमियान जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं इंटरनल ओस। तो इस्थिमस सर्विक्स और बॉडी को सेपरेट करता है। जो सर्विस के दो पार्ट होते हैं, एक सुपरा वजाइनल पार्ट, एक वो पार्ट जो एक्सटर्नल ओस और इसके दरमियान में है, और एक वो पार्ट जो वजाइना के अंदर एक्सपेंड कर रहा था उसको बोलते हैं वजाइनल पार्ट, ठीक है, जो वजाइनल वाल के अंदर प्रोट्रूड करता है, ठीक हो गया। तो एक ओपनिंग होती है सर्विक्स की वजाइना के अंदर उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ओस, और एक वो ओपनिंग जो बॉडी ऑफ यूट्रस और सर्विक्स के दरमियान में होती है उसको बोलते हैं इंटरनल ओस। तो आपने इन दोनों को देख लेना, ये इंटरनल ओस हो गया और ये वाला एक्सटर्नल ओस हो गया, और इसका जो सर्विस का वो वाला पार्ट जो एंटीरियर वजाइनल वाल के अंदर ओपन होता है तो उसको बोलते हैं वजाइनल पार्ट, उसका वो वाला पार्ट जो इसके अंदर है उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं सुपरा वजाइनल पार्ट। तो ये वाला सुपरा वजाइनल पार्ट होगा, ये वाला सुपरा वजाइनल पार्ट, और ये वाला वजाइनल पार्ट जो प्रोट्रूड कर रहा है उसके दरमियान जो कैविटी होगी उसको बोलते हैं सर्वाइकल किनाल या सर्विकल किनाल, और जो यूट्रस की कैविटी होती है बॉडी ऑफ यूट्रस की तो उसको बोलते हैं यूट्राइन कैविटी, ठीक है, कैविटी ऑफ यूट्रस।
अब हम यूट्रस की बात करते हैं, यूट्रस की वाल की। तो उसकी वाल हिस्टोलॉजिकली देखा जाए तो 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर एंडोमेट्रियम, देन कम्स मायोमेट्रियम, देन कम्स पेरीमेट्रियम। बिल्कुल हार्ट जैसी है कि एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही है कि यहाँ पर इनर एपिथेलियल लाइनिंग होती है, यहाँ पे मस्कुलर लेयर देखने को मिलती है, स्मूथ मसल लेयर्स होती है, इसके साथ साथ मेन ब्लड वेसल्स भी और नर्व्स भी इसी लेयर के अंदर होती है, जबकि पेरीमेट्रियम सीरोजा लेयर होती है। ठीक हो गया। तो आप इसको छोड़ भी सकते हो उनकी वाल को, क्योंकि आपने इसको हिस्टोलॉजिकली कवर करना है। अगर हम लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस की बात करते हैं, तो फिर मैंने आपको कहा था कि बड़ा सा लिगामेंट होता है, इसी लिगामेंट के मेजर पार्ट्स निकलते थे, जो इस बड़े वाले लिगामेंट को बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। और ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस अगर आप देखो तो एक डबल लेयर पेरिटोनियल फोल्ड होती है जो यूट्रस को कवर करती है और इसको जोड़ती है लैटरल पेल्विक वाल से। तो ब्रॉड लिगामेंट का वो वाला पार्ट यूट्रस को कवर कर रहा है तो उसको बोलते हैं मेसोमेट्रियम। ठीक है, ये वाला पार्ट यूट्रस को कवर कर रहा है तो मेसोमेट्रियम। ब्रॉड लिगामेंट का वो वाला पार्ट जो यूट्रस को ओवरी से जोड़ रहा है तो उसको बोले कि लिगामेंट ऑफ ओवरी प्रॉपर। ब्रॉड लिगामेंट का वो वाला पार्ट जो ओवरी की ओवेरियन वेसल को मेसोवेरियम की तरफ डाल रहा है तो उसको बोलते हैं हम सस्पेंसरी लिगामेंट या इंफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट का वो वाला पार्ट जो कि यूट्राइन ट्यूब को सस्पेंड करेगा तो उसको बोले कि मेसोसेल्फिक्स। ब्रॉड लिगामेंट का वो वाला पार्ट जिसने इसको जोड़ना है। ठीक है, बाकी जो सॉरी सारे पार्ट कंप्लीट हो गया ब्रॉड लिगामेंट के। तो ब्रॉड लिगामेंट का यही है कि इतने सारे इसके पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट के अंदर आपको बहुत सारे कंटेंट देखने को मिलते हैं। जो उसके कंटेंट होते हैं ब्रॉड लिगामेंट के वो आपने करने हैं यहाँ से। तो ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, जो इसका मेसोसेल्फिंक्स है, मेसोसेल्फिंक्स के अंदर आपको यूट्राइन ट्यूब, इस तरह आपको पीछे की तरफ राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, आगे की तरफ लिगामेंट ऑफ ओवरी प्रॉपर, यूट्राइन वेसल्स होती है इंफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट के अंदर, सॉरी ओवेरियन वेसल्स होती है इंफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट के अंदर, यूट्राइन वेसल्स भी आती है नीचे की तरफ, और इसके साथ ओवेरियन प्लेक्सस पे देखने को मिलता है, कुछ वेस्टिज रेमिनेंट होते हैं, एपिफ्रोन, पैराफ्रोन और कुछ लिम्फ नोड्स देखने को मिलते हैं। तो ये था ब्रॉड लिगामेंट के इंपॉर्टेंट कंटेंट्स। तो दोबारा से आपको इस डायग्राम में दिखा देता हूं, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये यूट्राइन ट्यूब, ये आपको राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, लिगामेंट ऑफ ओवरी प्रॉपर, इसके साथ आपको ये सस्पेंसरी लिगामेंट के अंदर ओवेरियन वेसल्स, उसके साथ साथ आपको ये नजर आ रही होगी कुछ यूट्राइन वेसल्स भी होती है जो यूट्राइन ट्यूब को सप्लाई करती है, तो आपको नजर आ होगा ये। ठीक है, इसी तरह ओवरी को और यूट्रस वजाइना को सप्लाई करने वाला ओवेरियन और यूट्रो वजाइनल प्लेक्सस। ठीक है, तो ये तो हो गया ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। अब इसके साथ साथ अब हम करने वाले हैं इसके सपोर्ट को करने वाले हैं। तो इसकी सपोर्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यूट्रस की KLM के मुताबिक सिर्फ 2 सपोर्ट है जो आपने लिखनी है। एक होती है डायनामिक सपोर्ट जो पेल्विक डायफ्राम प्रोवाइड करता है, जो पेल्विक डायफ्राम बिस्तर को प्रोलैप्स नहीं देता, और दूसरी है एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स पोजीशन। मतलब जब भी इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होता है तो फिर यूट्रस क्या करती है, ब्लैडर के ऊपर चढ़ जाती है, ब्लैडर उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, डेट इज़ वाई जो यूट्रस की प्रोलैप्स होती है वो कम से कम हो सकती है। तो फिर ये इसकी सपोर्ट होती है। बाकी BD के अंदर आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बात लिखी गई है, तो जो KLM के अंदर सिर्फ 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया गया कि डायनामिक में पेल्विक डायफ्राम और पैसिव के अंदर एंटीबर्टेड एंटीफ्लेक्स पोजिशन। तो इन दोनों पैरामीटर को आपने डिटेल से समझाना है। इसके बाद जो BD के अंदर जो एक्स्ट्रा बातें लिखी हुई है आपने सिर्फ इनके पॉइंट्स नोट करने और एग्जाम में इनके पॉइंट्स लिख लेने हैं। ठीक है, तो इनके पॉइंट्स आप नोट कर लेना, पाइनियर बॉडी और इनके बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, लेकिन इसके डिस्क्रिप्शन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम के अंदर ये पूछी नहीं जाती। अब हम कर लेते हैं वजाइना। फिर वजाइना के 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। पहला, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लूइड का फ्लो होता है, इसके साथ साथ ये बर्थ कैनाल का इंफीरियर पार्ट बनाती है, क्योंकि बर्थ कैनाल के अंदर जो सुपीरियर पार्ट होता है वो सर्विक्स से बनता है, इसके जो इंफीरियर पार्ट वो वजाइना से बनता है। तीसरा फंक्शन, पेनस को और इजैकुलेशन को रिसीव करना, और चौथा इसका फंक्शन होता है सर्वाइकल कैनाल वेस्टिब्यूल के साथ कम्युनिकेट करना। जो वजाइना की ओपनिंग होती है वो वेस्टिब्यूल के अंदर देखने को मिलती है, और वेस्टिब्यूल हम पढ़ेंगे वुल्वा या पुडेंटम के अंदर। और हमने कहा था कि जब सर्विक्स की ओपनिंग होती है किसके अंदर, वजाइना के अंदर, तो आपको कुछ रिसेसेस देखने को मिलती है। एक वो रिसेस जो आगे की तरफ होगी तो उसको बोलेंगे एंटीरियर रिसेस, जो आपको इस डायग्राम में नजर नहीं आ रही होगी। एक वो रिसेस जो पीछे की तरफ होगी तो उसको बोलेंगे पोस्टीरियर रिसेस, मैं आपको इस डायग्राम से दिखा देता हूँ, बल्कि यहाँ से इस डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा होगा। जब सर्विक्स के अंदर वजाइना के अंदर ओपन हो रही है तो आपको कुछ ऐसी स्पेसिस नजर आ रही है जो सर्विक्स को सराउंड कर रही है, तो ये पीछे की तरफ नजर आ रहा होगा पोस्टीरियर वजाइनल फोर्निक्स, आगे की तरफ नजर आ रहा होगा एंटीरियर वजाइनल फोर्निक्स, और लैटरली साइड पर जो हमें नजर नहीं आ रहा, तो और अगर इस डायग्राम से देखा तो फिर लैटरली हमें नजर आएगा, इस डायग्राम में देखें तो ये लैटरल फोर्निक्स नजर आ रही होगी। तो इन रिसेसिस को बोलते हैं फोर्निक्स, और इसमें सबसे पोस्टीरियर वाली होती है वो सबसे डीपेस्ट होती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कितनी ज्यादा डीपेस्ट है एज कम्पेयर टू लैटरल इंटीरियर वजाइनल फोर्निक्स। अब कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो वजाइना को कंप्रेस करते हैं, तो आपने इसको पीबू से याद रखना है, पीबू, पी से प्यूबा वजाइनालिस, ई से एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, बी से बल्बस स्पॉन्जियोसिस, और यू से यूरेथ्रो वजाइनल स्फिंक्टर। तो आपने इसको ज्यादा से याद करना है। इसके बाद आर्टिकल सप्लाई को देख लेते हैं। जो आर्टिकल सप्लाई होती है स्पेसिफिकली वजाइना के सुपीरियर पार्ट को सप्लाई करने वाली, वो यूट्राइन आर्टरी होती है। अपने एग्जाम में रट्टा मार लेना, सुपीरियर पार्ट को सप्लाई करने वाली यूट्राइन आर्टरी, जबकि मिडल और इन्फीरियर पार्ट को सप्लाई करने वाली वजाइनल और इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। ठीक हो गया।
अब इसके बाद जो वजाइनल वेन्स होती है वो वजाइनल वीनस प्लेक्सस बनाती है, और ये वजाइनल वीनस प्लेक्सस यूट्राइन वीनस प्लेक्सस के साथ मिलकर यूट्रो वजाइनल प्लेक्सस बना लेता है, और ये यूट्रो वजाइनल प्लेक्सस इंटरनल इलियक वेन के अंदर रख के खत्म हो जाता है। इसके बाद अगर आपने ये देखना हो कि कौन कौन से मसल्स जो यूरेथ्रा को वजाइना को कंप्रेस करते हैं, तो फिर आपको पीबू वाला फार्मूला यहाँ पे नजर आ जाएगा। पीबू वजाइनलिस एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो वजाइना को सराउंड कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, बल्बस मोंजियोसस, और यू से कह सकते हैं हम यूरेथ्रा वजाइनल स्फिंक्टर, ये आपको यूरेथ्रा वजाइनल स्फिंक्टर नजर आ रहा। अगर आप इनर्वेशन ऑफ वजाइना और यूट्रस की बात करते हैं, तो फिर मैंने कहा था कि जो इन्फीरियर वन फोर्थ होता है इसका, लोअर वन फोर्थ होता है वजाइना का, वो सोमैटिक इन नेचर होता है। मतलब यहाँ पे जो सप्लाई करने वाली जो नर्व फाइबर होती है वो सोमैटिक नर्व सिस्टम से आती है, स्पेसिफिकली जो इंटरनल पुडेंडल नर्व की डीप इनर ब्रांच होती है। इसके साथ साथ जो उसका जो इसका जो सुपीरियर थ्री फोर्थ होता है वो ऑटोनॉमिक होता है, ठीक है। उसको सप्लाई करने वाला यूट्रो वजाइनल प्लेक्सस होता है। यूट्रो वजाइनल प्लेक्सस के अंदर हमें सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक फाइबर और विसरल एफरेंट फाइबर होते हैं। जो विसरल एफरेंट फाइबर्स होते हैं वो हम इसके हम पेल्विक पेन लाइन के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। जो पेल्विक पेन लाइन होती है वो पड़ी होती है इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ पेरिटोनियम के लेवल पर। तो जो फंडस और बॉडी का होता है पेन वो फॉलो करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और जो सर्विक्स का होता है वो करता होता है किसको, पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। जो सिंपैथेटिक फाइबर आ रही होती है वो लंबर सबटेक्निक नर्व के जरिए आ रही होती है, और जो पैरासिंपैथेटिक फाइबर होती है वो S2 S3 S4 डर्मेटोम से या S2 S3 S4 सेगमेंट से आ रही होती है। तो यह तो हो गया बेसिक ओवरव्यू। और जो विसरल एफरेंट इंफॉर्मेशन जो पेन को कन्वे करती है, तो पेन वाली होती है, दोबारा से बता दें तो फंडस ऑफ बॉडी की जाती है, कहाँ पर जाती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर फॉलो करती है। और इसके साथ जो सर्विक्स ऑफ वजाइना वाली तो वो फॉलो करती है पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। और ऐसी विसरल एफरेंट सेंसेशन जिसने रिफ्लेक्स वाली इन्फॉर्मेशन को कैरी करना है, तो वो उनके फाइबर जाती है किसके साथ, पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ। तो रिफ्लेक्स हमेशा पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ, बाकी जो पेन वाले हैं वो पेल्विक पेन लाइन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू और वजाइना और यूट्रस खत्म। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ चीज़ें मैं छोड़ गया हूँ, वो है वजाइना की लिम्फैटिक ड्रेनेज। हालांकि मैंने इसको बाद में भी कवर करना था, लेकिन आप इस चीज़ को नोट कर सकते हो, यहाँ से अपने KLM के ऊपर लिख सकते हो कि जो वजाइना का अपर हाफ होता है और लोअर हाफ होता है, जिसका अपर हाफ होता है वो पेल्विक फ्लोर से ऊपर पड़ा हुआ होता है पेल्विस के अंदर, जिसका लोअर हाफ होता है वो पेल्विक फ्लोर यानी डायफ्राम से नीचे पड़ा हुआ होता है यानी पेरिनियम के अंदर। जिसका लोअर हाफ होता है उसको सप्लाई करने वाला जो उसके रिलेशनशिप होती है वहाँ की यूरेथ्रा और इनर कैनाल, और जबकि जो उसका पेल्विक पार्ट है वहाँ पे ब्लेडर आगे रेक्टम पीछे, जबकि पेरिनियम के अंदर यूरेथ्रा आगे और इनर कैनाल पीछे। अपर पार्ट को सप्लाई करने वाली यूट्राइन वजाइनल आर्टरी और लोअर पार्ट को सप्लाई करने वाली इंटरनल पुडेंडल आर्टरी, और इसके साथ साथ इंटरनल इलियक एक्सटर्नल इलियक सैक्रम, जबकि लोअर पार्ट को सप्लाई करने वाला या लोअर पार्ट को ड्रेन करने वाला सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड। तो अगर आपने डिफरेंस बनाना हो अपर पार्ट ऑफ वजाइना वर्सेस लोअर पार्ट ऑफ वजाइना, तो पहला ओरिएंटेशन का या एनाटॉमिक लोकेशन का, दूसरा रिलेशनशिप का, तीसरा आर्टेरियल सप्लाई का, और चौथा लिम्फैटिक ड्रेनेज का। तो आप खुद ही अपनी किताब के ऊपर डिफरेंस बना देना, ये मैंने आपको फ्लो चार्ट या मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोबारा से, तो फिर वीडियो को लाइक बेशक ना करना, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।